आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया के आने वाले फ्यूचर ट्रक्स और बसों के बारे में बताऊंगा, जिनकी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन को देखकर आप हैरान हो जाओगे। विली ट्रांसपेरेंट एलसीडी बस, ये बस नहीं एक अजूबा है। इस बस के पास सब कुछ है कि मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल और पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बस है। इसके एक्सटीरियर पर फुली एलसीडी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको वेदर रिपोर्ट और जीपीएस सिस्टम मिल जाता है। जीपीएस के जरिए आप अपनी लोकेशन को मार्क कर सकते हो और फिर ये बस आपको वहां तक छोड़ देगी। ये बस आपको आपकी जगह तक तो पहुंचाती ही है, और साथ में ये बस का इस्तेमाल काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाने में भी किया जाएगा। इसलिए इस बस का काफ़ी ज़ोरों शोर से इंतज़ार है और आते ही इस बस की काफ़ी डिमांड हो जाएगी। मर्सिडीज़ फ्यूचर ट्रक 2025। मर्सिडीज़ कंपनी जो कि लग्जरी कार्स बनाने के लिए जानी जाती है। पर रुकिए, अब हम मिलाते हैं मर्सिडीज़ के फ्यूचर ट्रक 2025 से, जिसे पूरी तरह से फ्यूचर को देखकर बनाया गया है। फिर चाहे बात हो इसके इंटीरियर की या तो एक्सटीरियर की, दोनों ही जगह से ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। सबसे बढ़िया फीचर इसका ये है कि अगर आप ड्राइविंग करते करते बोर हो गए हो, तो फिर आप इसे ऑटो मोड पर छोड़ सकते हो। ये ट्रक आपको आपकी लोकेशन तक सेफली छोड़ देगा। और इस ट्रक की ऑटो ड्राइविंग की स्पीड 80 किलोमीटर पर आर तक की होती है, जो कि एक मीडियम रेंज स्पीड है, ना तो कम है ना तो ज़्यादा है। फोर्ड एफ विजन। फोर्ड कंपनी के बारे में तो आप जानते होंगे, जिनकी कार हमेशा मार्केट में डिमांड में रहती है। पर जब 2018 को जर्मनी में इस फ्यूचर कॉन्सेप्ट ट्रक को दिखाया गया, तो सभी लोग इसकी फ्यूचरिस्टिक बनावट और डिज़ाइन को देखते ही इसके फैन हो गए। कंपनी ने ये भी बताया कि ये फ्यूचर कार्स की तरह ही इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा, यानी कि ये ट्रक बैटरी से चलेगा। फोर्ड का मानना ये भी है कि ये ट्रक आने वाले समय में टेस्ला कंपनी के ट्रक्स को काफ़ी अच्छी टक्कर देगा। ट्रांसिट एलिवेटेड बस। आए दिन काफ़ी ट्रैफिक बस की वजह से लग जाता है, पर चाइना ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। अब चाइना इस एलिवेटेड बस के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो फ्यूचर में चाइना में दिखेगी। ये बस काफ़ी शानदार होगी, क्योंकि इस बस को कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा कि कार इस बस के नीचे से भी चल सकेंगी, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक भी नहीं होगा। और अगर ट्रैफिक भी होगा तो ये बस ट्रैफिक के ऊपर से निकल लेगी, और चाइना में अभी इसकी प्लानिंग और टेस्टिंग चल रही है। मर्सिडीज़ बेंज फ्यूचर बस। तो पेश है मर्सिडीज़ बेंज की ये फ्यूचर बस। ये बस काफ़ी शानदार होने वाली है। ये मर्सिडीज़ ट्रक की तरह ऑटो मोड पर चल सकती है, और एक्सीडेंट का तो कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि इस बस में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप बस के आगे आने वाली चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती है और वहीं पर रुक जाती है, और उसके जाने के बाद फिर दोबारा चलने लगती है। इस बस का इंटीरियर दूसरी बस की तरह भीड़ भाड़ वाला नहीं है। यहाँ पर खुली और लग्जीरियस सीट दी गई हैं, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप बस में नहीं अपने ऑफिस में हो। और रात में ये बस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है अपनी ब्लू लाइटनिंग की वजह से। और एक्सटीरियर और इंटीरियर के डिज़ाइन के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वह आपने देख ही लिया होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए इन्फो अनलॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।